ये हमारे स्प्लेंडर राइडर है, थोड़ा स्लो चलना, अच्छा साउंड ब्लॉग में लेना, ब्लॉग में आना, हरकतें छोड़नी नहीं है छपड़ी वाली, ठीक है। आगे स्वाद हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये ब्लॉग अभी कोई प्लान तो नहीं था, ये ब्लॉग अभी हमने जाना है रैप करवाने। रैप किस पे करवा रहे हैं? हेलमेट को रैप करवा रहे हैं, एक मेरा फ्रेंड है ऑफिस के लिए है, उसके हेलमेट को रैप करवाना, चलते हैं अभी। फ्यूलिंग भी करवानी पड़ेगी, इज ऑन द वर्ज, खोलना है इन्हों। आज एक तो मैंने ना ऑडियो भी चेक करनी है, अभी माइक मैंने लिया नहीं है, इंस्टा 360 के साथ एयरपॉड्स कनेक्ट करे हुए हैं आज मैंने, मुझे जस्ट एक ऑडियो क्वालिटी चेक करनी है कि कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है। अगर तो ठीक रही तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 19 को हम एक राइड पे जा रहे हैं चंडीगढ़, अगर तो सही रही तो मैं यही यूज़ करूँगा, अगर नहीं सही लगी मुझे तो मैं माइक लूंगा एक एक जो इसमें इसका रिसीवर में कनेक्ट हो जाएगा। चलो हाईवे पे, चलो हाईवे पे, ओए ऐसे जो ऊपर जबला ऐसे लोग भी सब तो वाटर पाकिट में लगे हैं, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा ना, मैं देखा पैंट से तोड़ वाटर में लगे। ये हमारे स्प्लेंडर राइडर है, थोड़ा स्लो चलना, अच्छा साउंड कार वाला एकदम से आ गया यार, ये ना बहुत इशू है भाई साहब, इधर देखते हैं जिस साइड तुम मुड़ रहे हो भाई उस साइड से देखते हो कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या बोले इनको कोई। अब एक ना यार मैंने जो एग्जॉस्ट दिलवाया हुआ ना उसमें इशू क्या है, इसमें कैटलेटिक और डीबी लगा हुआ था, वो मैंने उतार दिया है फिर साउंड चेक करने के लिए। 19 तारीख को क्या है चंडीगढ़ में जो राइट है, जो चंडीगढ़ में 19 तारीख को राइट है उसमें कोई मतलब वो नहीं है, जो सुनने में मेरे को मिला कि आप एग्जॉस्ट वगैरह लगा के आ सकते हो, तो मैंने पहली बार इसका ये उतार रहा है कैटलेटिक और डीबी, उससे साउंड बहुत ज्यादा लाउड हो गया, ये पता नहीं आपको सुन रहा है वीडियो में कि नहीं, अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हूँ तब भी साउंड ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी तेज चल रहा हूँ, और भाई बैक टायर मार रहा है ये बैक टायर, बस मैंने 6 मिनट टायर चेंज करवा था, 160 सेक्शन का टायर सोच रहा हूँ मैं इसमें लगाने की, अभी तेज डाइडी की वजह से ना टायर बड़ा मुझे पतला लगने लग गया यार। और एक चीज और यार, अगर मैं ये ब्लॉग डालूंगा ना, ये एक्चुअली मैंने लेंस लगाया हुआ है इंस्टा 360 ब्लॉगिंग वाला, दूसरा 4K लेंस नहीं लगाया मैंने इसमें, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था ये ब्लॉग शूट करने का, अगर तो ठीक बनता तो मैं अपलोड करूंगा, नहीं तो भाई रहने देंगे और क्या, कोई चक्कर नहीं, 19 को तो मस्त वाला व्लॉग आएगा। हाँ जी एमटी वाले भैया, व्लॉग में लेना, व्लॉग में आना,
रिकॉर्डिंग चल रही है, दे दो एक अच्छा सा पोज। रुको जरा, सबर करो, कर दो। हाँ ये कर लो पहले, ये देख लो हरकते छोड़नी नहीं है छपड़ी वाली। ठीक है। अबे साले पुलिस ना खड़ी हो यार यहाँ पे, बस बाकी सारी बातें ठीक है। एक दोस्त लगाने के बाद साउंड तो सही हो जाता है, डर लगा रहता पुलिस का। बस एग्जॉस्ट की यार आवाज बहुत प्यारी है, एक एग्जॉस्ट करते ना पट 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 जो ट्रैवल की साउंड आती है वो चीज नहीं है, ये एग्जॉस्ट पूरा बेसी है भाई साहब, बेसी एग्जॉस्ट है। डेडिकेटेड एक मैं बाइक का ना वॉक थ्रू वीडियो बनाऊंगा, वॉक अराउंड, इसमें काफी चीजें मैं कवर करेंगे हम, बाइक लिए कितना टाइम हो गया है ना और क्या क्या फीचर डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज वैसे यार ये वीडियोस ना काफी पड़ी हैं यूट्यूब पे, एग्जॉस्ट नॉट एग्जॉस्ट की बना लूंगा। भाई बाइक को ट्रैफिक में चलाना ना बहुत बड़ा टास्क है, थोड़ा वो तो चलो कोई बात नहीं, बट ज्यादा ट्रैफिक में ना बार बार क्लच ब्रेक करते हुए ना इसके इसमें सारा रिस्ट पे जो वेट आता है वो दुखी कर देता है कसम से। हाईवे पे तो जितना मर्जी इसको दौड़ा लो इतना भी फर्क नहीं पड़ता। भाई अभी हम यहाँ पहुंचे थे बट जिनसे करवाना उनके पास आज टाइम नहीं है, जो हेलमेट रैप करवाना था वो मैंने इनको दे दिया, वो कहते परसों ले जाना, मैंने कहा ठीक है। आप दो ना। मैंने कहा चलो ठीक है परसों ले जाएंगे, बट कर देना, अभी हम अपने थोड़े बाइक का काम करवाना वो हम किसी और से फिर करवाते हैं, देखते हैं। अब मोहित भी मेरा फ्रेंड है ये चलाएगा अपनी R15M और हम चलाएंगे MT15, जाते हैं देखते हैं इसका थ्रोटल काट रखे हो भाई। MT के बाद वो चला रहा ना, मेरे को MT चलाने में अजीब लग रही है। पुलिस देख लो, पुलिस तो नहीं है बाकी सारी बातें ठीक है भाई, पुलिस देख लो दूर दूर तक जहाँ जहाँ नजर जा रही है देख लो। बैक प्रोफाइल चेक, साइड प्रोफाइल चेक, क्वालिटी पता लग रही है आगे स्वाद। भाई को आ गया मजा, अब हमें ये खींचनी है। एक्टिवेट लगती है रोड पे, हमने कुछ मॉडिफिकेशन भी ऐसी करा रखी है ना, अलग ही चमकती है ये MT में ना। मेरे को लीन करने में बड़ा डर लगता है, लीन नहीं होती मेरे से कुछ नेकड होने की वजह से ना। अब आपको पता आपका भाई है बेरिंग बाइक का लवर, पेड़ बाइक में मुझे
ज्यादा पसंद है कंपेयर टू नेकेड। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो नेकेड बाइक की रोड प्रेजेंस है ना, पेड बाइक से कम है, किसी ना किसी का ध्यान तो खींच ही लेती है पेड बाइक चलते हुए। नेकेड बाइक का एक बार हमने पार्क कर दी जहाँ पे, वहां पे चलो मान सकते हैं कि हाँ लोग आके देख रहे हैं कुछ है ना। हम तो कह रहे हैं भाई कंफर्टेबल है मेरी वाली सफर, पता ही नहीं लग रहा। सीटिंग पोस्टर बड़ा सही है ना इसका, हमारी वाली का अग्रेसिव बहुत है स्पोर्ट्स होने के कारण। बोल तो बहुत रहा हूँ, मेरे को पता नहीं ऑडियो रिकॉर्ड होगी ठीक है कि नहीं, पॉपअप हो जाए बाद में। क्या बढ़िया था गुरु, ऑडियो ही नहीं आई। लो जी बस यार, अब जहाँ पे जा रहे हैं टेपिंग के लिए ना, उनके पास हो गया टाइप टाइम, टाइप बोल रहा हूँ टाइम हो उनके पास। बस जो मैंने रैप सोच रखा है ना, रैप ये थोड़ी छोटी सी मॉडिफिकेशन है बस, वीडियोस पे मैंने कुछ करवाना हो जाए बस। अभी कहीं ये भी ना बोल दे कि आज टाइम इशू है। हाँ जी आगे स्वाद है मोटे तो नहीं दुख रहे ना ना। अरे बस कर भाई यार, अभी हमें ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है, वो जिनसे करवाना था उनके पास अभी टाइम ही नहीं था, तो अभी ये हेडलाइट असेंबली तो खोल ली है इन्होंने, बस अभी रैप वगैरह वो कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करने के बाद ये करेंगे, उसके बाद फिटिंग वगैरह टाइम बहुत लग जाएगा। अभी मैं अपने बाइक का भी मैंने काम करवाना था कुछ, इसके व्हील्स में करवाना था अलॉयज पे, वो अब मैं सोच रहा हूँ कल करवा लूँगा क्योंकि अब मैं भी थक गया हूँ, ऑफिस से सीधे हम आ गए थे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसलिए, इसका तो आज काम फिनिश हो जाएगा एमटी का, मे भी आधे घंटे का काम इसका रह चुका है। ये मोहित भाई यहाँ पे खड़े हैं, ये करवा लेंगे, अभी हम निकलते हैं फिर। बाकी देख लो बाइक्स हमारे। तो हेलो एवरीवन, अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ फाइनली। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6 बज चुके हैं, बाहर अंधेरा हो गया था, अभी कोई काम करवाने का फ़ायदा भी नहीं था, मैंने अलॉयज पे थोड़ा वर्क करवाना था रैप का, तो वो भाई भी बोल रहे थे कल करवा देना दिन में, कोई इशू वगैरह नहीं आएगा, अभी रात हो गई थी तो पता नहीं लगेगा इतना, उनकी बात भी ठीक थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई कल करवा देंगे। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये प्री प्लान व्लॉग नहीं था, जस्ट कि एमटी का और मेरे वाले का R15M का काम होना था, इसलिए मैंने व्लॉग शूट कर लिया, कैमरा भी था मेरे पास लकीली। गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऐसे ही कंटेंट के लिए, और 19th को लाइक ये वीडियो मैं पता नहीं आपको अपलोड करूँगा, जो आज डेट है 17, 18, 19 परसों हमारी एक राइड है पटियाला बाइकर्स की, राइड का एक इवेंट है चंडीगढ़ में, सारे बहुत सारे बाइकर्स वहाँ पे आएंगे, तो वो ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत ऑसम ब्लॉग होने वाला है, वो बहुत ऑसम कंटेंट जाएगा, सुपर बाइक्स हो गए है ना, हार्लेज हो गए, सारे बहुत सारे बाइक्स आएंगे, बहुत अल्टीमेट इवेंट जाने वाला वो, डोंट मिस दैट ब्लॉग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, दिस इज गोविंद साइनिंग ऑफ।